प्रोफेसर चेतन सोलंकी ने सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने और लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए एक बस तैयार की है और इस बस में वे 11 वर्ष सफर कर देश भर के लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करेंगे, साथ ही सौर ऊर्जा का प्रशिक्षण भी देंगे। इस बस के अंदर एक घर के साथ साथ एक लैब जैसी सुविधा भी मौजूद है। बस का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर चेतन सोलंकी जो कि बेल्जियम से पढ़ाई करके आए हैं, उनके द्वारा लगभग 11 वर्ष तक घर से बाहर रहकर सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक लोगों को किया जाएगा। एनर्जी स्वराज नाम से ये बस है, इसको आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के द्वारा इस बस को जो है तैयार किया गया है। इस बस का अंदर का जो हिस्सा है उसको दिखाते हैं। इस बस को यदि बैठक कोई करनी है, स्टडी करनी है, उसके हिसाब से तैयार किया गया है। किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग देनी है उसके लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल लगी हुई है जिसमें काफ़ी सारे जो ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर बैठकर आराम से स्टडी की जा सकती है, आराम से स्टडी की जा सकती है। पूरी हमारे साथ बस के जो ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ये बस में क्या क्या खास बात है, किस चीज़ से चलती है। ये चलती सोलर से नहीं चलती, चलती डीजल से ही है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट के सोल ऊर्जा के लिए एडवर्टाइज के लिए पूरे भारत में घूमेगी। इसमें आपको पूरी व्यवस्था और भी बेड की व्यवस्था है, बेड भी है इस पर, बेड खुलने के लिए, बाकी लेट बात ये इसका बेड जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें सारी व्यवस्थाएं, एक बेड भी बना हुआ है, यदि सोना है तो इस बेड पर सो सकते हैं, साथ में लेट बाथ भी है इस बस के अंदर। सारी जो व्यवस्थाएं ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ इस बस में लेट बाथ भी अटैच बना हुआ है। और लेकिन इस बस की जो खास बात है वो ये है कि ये सारे जो इक्विपमेंट है वो सारे सोलर एनर्जी से यहाँ पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाने के लिए बस पूरे देश में भ्रमण करेगी। और लगभग 11 वर्षों तक प्रोफेसर चेतन सोलंकी इस बस में रहेंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे सौर ऊर्जा की, और लोगों को ट्रेनिंग सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। संविधान दिवस पर